What is this? क्या है? स्टूडियो स्टूडियो पढ़ाई क्या है? ढालबाजी क्या कर रही है? Hey guys, welcome back to a new vlog. अभी है मेरे सामने पापा जो कि हो चुके तैयार. पापा 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 पापा, पापा कहाँ जा रहे हो? गुड मॉर्निंग. मैं जा रहा हूँ मुझे एक घंटे में आऊंगा. अच्छा, मैं कह रहा हूँ आपने ओम का गेमिंग स्टूडियो देखा? मैंने ब्लॉग में देखा, वैसे नहीं देखा अभी तक. ऊपर जाके नहीं गए? ऊपर नहीं. तो पापा मैं सोच रहा हूँ कि ओम के ऊपर करते खतरनाक वाला प्रैंक. वो है कि आप बोलना ओम से चल देख के आते ऊपर, मैं बोलता हूँ ब्लॉग में, है ना, ऊपर दिखा दे आपको, और आप बोलना मतलब गुस्सा करना खतरनाक वाला कि पढ़ाई लिखाई छोड़ दिए, गेमिंग करेगा, बंद करे सेटअप को, है ना. तो देखते हैं उनका रिएक्शन क्या आता है. पर चलो क्या करोगे, कैसा करोगे आप? अरे मेरे पे छोड़ दो तो. चलो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी जान, क्या कर रहे हैं यहाँ पे? ओ सो गए क्या? उठे. पापा बोल रहे कि तेरा गेमिंग स्टूडियो देखना है. आ हाँ दिखाओ. चलो तू भी चलना साथ में. ओम चल बेटा स्टूडियो दिखा. चल चल देख के आते. आ जा जल्दी उठ. उठ फटाफट. वही तो कल दिन भर लगे थे हम दोनों. चल देख के आते. आजा पापा के लेते रिएक्शन, लाइव रिएक्शन. कितना सो रहा है? उठ उठ. तैयार. चलो चलो चलो. ये आ चुके छत पर. अपनी भयंकर वाली धूप हो रही है भाई. और चलो एंट्री. ये है पापा स्टूडियो हमारा, आपका, ओम का. अबे झड़ गया नीचे. अबे झड़ गया. लगा उसको. लगा लगा लगा. पिटाई के लिए? ये आवाज रोकने के लिए, ताकि आवाज जो ओम बोले वो रिफ्लेक्ट होके ये पर इस एरिया में. और ये भी है? ये जो लगे ये सब. हाँ, ये भी. मुझे ये बता है स्टैंड यार. क्या करो? मुझे ये बता, ये लाइट की दुकान खोल दी क्या तुमने? नहीं तो. एक लाल लाइट, एक हरी लाइट, एक यहाँ भी लाइट. क्या लाइट बेचने का काम कर रहा है क्या? पापा मैं सब भेज दूंगा बेटा. जितना ये सब कुछ कर रहा है ना, जितना पढ़ाई में ध्यान देता तो आज इंसान बन जाता. स्कूल से कंप्लेंट नहीं आ रही होती. क्या हो रहा है? कौन सी कंप्लेंट आ रही है? व्हाट इज दिस? क्या है? स्टूडियो पढ़ाई. क्या कर रहे हो पापा? क्या कर रहे हो पापा? क्या कर रहे हो? क्या है ढालबाजी क्या कर रही है? ये भाई ने करी, मैंने थोड़ी करी है. ओ भाई. अरे ओम भाई कुछ लगा? ओम भाई कुछ लगा? डर लगा? हाँ क्या बोलना, क्या कर रहे हैं भाई? ये प्रैंक हो गया तेरे पास. प्रैंक गेमिंग स्टूडियो प्रैंक. वेरी नाइस, ऑल द बेस्ट. और मेरे सामने देवी और सज्जनों मेरे सामने आ चुके हैं ओम भाई जोगी. ए मोटर को जोगी उत्तराखंड दुबारी से आए हुए हैं और खेल रहे कौन बनेगा करोड़पति. और मैं बैठ रहा हूँ सीट पे. ये ऐसा लगेगा, ये माइक ऐसे, और ये रे हेडफोन. पहना दे पापा को. ये लो. आज बनेंगे पापा गेमर. ओ भाई साहब. ओम भाई क्या करना चाहेंगे आप ये गेम का सेटअप करने के बाद? मैं गेमिंग करूंगा और क्या करूंगा, इसलिए तो सेटअप कराया. देवी और सज्जनों हमारे ओम भाई ने अपना म्यूजिक चैनल अपना गेमिंग चैनल ऑन किया है और मैं इसको बधाई देता हूँ. ढेर सारी शुभकामनाएं. और आप जीत गए करोड़ रुपया, ठीक है. और आप सभी लोग इस बच्चे को सपोर्ट करें और ये दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की करें, मेरा आशीर्वाद है. और साथ में पढ़ाई भी करें. ये नहीं कि यहाँ तो तरक्की पर तरक्की हो रही है, स्कूल में लोगों को डेली वहां जाना पड़ रहा है मीटिंग में, ऐसा नहीं होना चाहिए. और आप सभी लोग इसको सपोर्ट करें पढ़ाई के साथ साथ. ये बच्चा आज इस नए सेटअप के साथ काम करने जा रहा है और जितना भी आपसे और मुझसे हमसे बन पड़ता है हम इसके लिए करेंगे. चार्जर कहाँ? चार्जर पता नहीं कहाँ है. पता नहीं होता. दो इसकी बैटरी खत्म हो गई. चार्जर कहाँ है? चार्जर क्या बोल रहा है मम्मा? ये लगा दो, एक सेकंड में 100% चार्ज करेगा. चुलबुल. बच्चे के साथ कुत्ते भी बेइज्जती मार के जाते हैं आपकी. क्या बोल रहा है तू? बोल क्या रहा है आज? है टॉप वाला गिलास निकाल दो. क्यों पीना है?
ये मम्मा पिट जाएगा मेरा हाथ, समझा लो उसको आप क्या बोल रहा है ये। अरे वो गिलास निकाल दो प्लीज। क्या गिलास निकालना बोलना? वो वाला नहीं बोल, वो ये। अरे ये नहीं यार, वो चेयर लानी पड़ेगी भाई। मैं निकाल दूंगा भाई, मुझे पता है तेरी हड गंठी है, रहने दे मैं निकाल दूंगा। क्या निकाल रहा है? अबे गिलास निकाल रहा हूँ। कैसे मारा भाई? ये निकलेगा गिलास। क्या पी रहा है इसमें? इसमें मैं पी रहा हूँ। क्या ये है? अच्छा ऑरेंज स्क्वैश। मुझे पीना है यार ये। एक गिलास मेरे लिए बना दे भाई प्लीज। भाई खुद बना लो अपने लिए। प्लीज भाई प्लीज, मैं सिर्फ खुद अकेले पीता हूँ। ठीक है ना? Cheers. अपन के लिए बहुत है। आहा बढ़िया हो रहा है मम्मा, बहुत टेस्टी आ रही है स्क्वैश। मजा आ गया। Poco power, en la vida un ganador si sabe perder, lo que nunca tuve de chico quiero tener. आप लोग तैयार रहो, आप लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया सा, बहुत जबरदस्त सा, बहुत खतरनाक सा Q&A वीडियो आने वाला, लेकिन इस बार आप लोगों के लिए अलग टास्क है। पहले आप क्या करते थे कि आप जाओगे ब्लॉग के कमेंट सेक्शन में, वहां पर अपना क्वेश्चन टाइप करोगे और मुझे भेज दोगे, या फिर मेरे इंस्टाग्राम पर जाओगे वहां पर अपना क्वेश्चन टाइप करोगे और मुझे भेज दोगे। लेकिन इस बार आपको क्या करना है, सबसे पहला काम है कि ये बगल में मेरा इंस्टाग्राम का पेज आ रहा हुआ, इसको जाके फॉलो करना है। प्लीज गाइस, प्लीज जाके फॉलो कर लो, प्लीज फॉलो कर दो, प्लीज फॉलो कर दो। और सबसे बड़ी बात, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करोगे तो आप मेरी क्यू एन ए वीडियो का हिस्सा नहीं बन पाओगे। अगर आपको हिस्सा बनना है तो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, क्योंकि इस बार क्या करना है आपको, इस बार आप लोगों को वीडियो रिकॉर्ड करनी है, उस वीडियो में अपना नाम बोलना है और आपका क्या क्वेश्चन है वो पूछना है, और मुझे इंस्टाग्राम पर वो वीडियो भेजनी है। उस वीडियो को मैं लूंगा अपने व्लॉग में और फिर आपके क्वेश्चन को मैं करूंगा आंसर। तो फटाफट से जाओ, बगल में इंस्टाग्राम का पेज आ रहा हुआ है, या फिर डिस्क्रिप्शन में जाओ, डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक होगा, वहां पर जाओ मुझे फॉलो करो और फटाफट से फटाफट, मतलब फटाफट 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 फटाफट, आपके पास सिर्फ 2-3 दिन ही है, क्योंकि 2-3 दिन के बाद फिर मैं क्यू एन ए वीडियो बना दूंगा। तो इस 2-3 दिन के अंदर जितने भी आपके क्वेश्चन है सब पूछ लो मेरे से इन द फॉर्म ऑफ वीडियो। आप कहाँ से हो, आपका नाम क्या है, ये होना वीडियो में जरूरी है कि आप कौन हो, आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हो और आपका क्वेश्चन, ये वीडियो में होना जरूरी है। तो हाँ ये बढ़िया है, बाकी तो मतलब जितने क्वेश्चन सब पूछ लो मेरे से, लेकिन वीडियो बना के मुझे इंस्टाग्राम पर भेजना। तो फटाफट जाओ मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो और क्यूएनए वीडियो का बस वेट करो आप, बाकी जो होगा जबरदस्त होगा। खाना लग गया गाइस, खाने में बनाया मम्मी ने दाल चावल, तो फटाफट से खा लेते। ओम ने खा लिया यहाँ पे बैठ के, खा लिया कंप्लीट। मेरे साथ ऐसे ही होता है यार, हर बार मेरे साथ ऐसे ही होता है। ओबे सोफे को दाल खिला दी। क्या? सोफे को दाल खिला दी। सोफे को दाल पिला दी मैंने यार। एक व्लॉगर होने की, अब दाल खिलाई दिया थोड़ा, चावल भी खिला दो उसको। एक व्लॉगर होने की गाइस बहुत दिक्कत होती है। मैं प्लेट को दिखा रहा हूँ, वहां से प्लेट ऐसी हो गई और सीधा सोफा गया। सोफा बोल रहा है भाई साहब दाल ही दाल खिलाओगे, चावल भी पिलाओ, पिलाओ थोड़ा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये पापा गाना गा रहे, सबसे बड़ी बात यह है कि दाल है ही नहीं वहाँ, दाल खत्म हो चुकी है और आधी तो बर्बाद कर दी। इतना चावल है और दाल इतनी सी है बस। अब खाना खा लिया अभी और सबसे पहला काम है कि जो गिरी हुई दाल है उसको साफ करना है, क्योंकि अगर वो मैं साफ करना भूल गया गलती से और मम्मी ने देख लिया तो मम्मी मेरे को साफ कर देगी। तो ये रहा कपड़ा, आहा क्या कपड़ा है, कितना साफ है, तो इससे साफ करता हूँ। क्या साफ, अरे हाय हाय, ओ तेरी, ओ भाई कितना साफ कपड़ा है ये, ओ रे बाप रे बाप। परफेक्ट, अपना काम कंप्लीट। अब ये चुलबुल आज सुबह से इस कट्टे के ऊपर बैठा हुआ है, इसको लग रहा है कि इसका गद्दा है। चुलबुल यहाँ क्यों बैठा है तू, हैं क्यों बैठा है बता, ओए उठ उठ इसमें से, उठ जा जा। आज सुबह से इसमें बैठा है भाई ये, सुबह से। इतना क्यूट है, इतना क्यूट है, इतना क्यूट है मेरा चुलबुल। आपको अच्छे से याद होगा कि हमने 2-3 दिन पहले करा था खतरनाक वाला सुपर स्पाइसी नूडल चैलेंज, जो कि वर्ल्ड का सबसे ज्यादा
स्पाइसी नूडल है, ये रहा उसका एक पैकेट बच गया था तो ये रहा उसका पैकेट। और मुझे अच्छे से याद है कि भाई मैंने उसका एक ही पैकेट ऑर्डर करा था, एक ही डब्बा ऑर्डर करा था जिसके अंदर थे चार ऐसे वाले पैकेट। लेकिन परसों मेरे पास कॉल आया कि आपका ऑर्डर आया अमेजोन से, तो मुझे लगा कि मैंने ओम का गेमिंग सेटअप का सामान मंगाया है तो वो आया होगा, तो मैंने ले लिया। लेकिन जब मैंने पैकेट खोला, डब्बा खोला, तो उसके अंदर भाई साहब सुपर स्पाइसी नूडल और आ गए। मत कर भाई ओम। तो इसके अंदर भाई साहब सुपर स्पाइसी नूडल का पैकेट आ गया पूरा, जिसके अंदर चार ऐसे पैकेट और हैं। तो भाई मेरे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि ये ऑर्डर किसने करा। मैंने तो भाई एक ही पैकेट ऑर्डर करा था, ना मम्मी ने करा ना मैंने करा, तो करा किसने? पता नहीं क्या हुआ, अपने आप ऑर्डर हो गया, क्या हुआ मैंने चेक करा, वहां पे ऑर्डर भी नहीं है प्लेस, अपने आप ही आ गया और अब इसको वापस करना पड़ेगा। पता नहीं क्या है, लेकिन ये रहस्यमय है, बहुत मिस्टीरियस कहानी है। अब बता इसको वापस करें या खाए? भाई ये वापस नहीं होगा, इसको खाएंगे भाई। भाई नहीं खा पाएंगे यार, चारों के चारों पैकेट मैं खत्म कर दूंगा। अब वो पागल है क्या कर रहा है? एक दिन में खत्म कर दूंगा मैं, और अगर आपने ये वापस करे हाँ तो फिर यही हाल मैं आपका करूंगा। ओए ओए, अभी पापा घर आ चुके हैं और घर लाए हैं पापा खतरनाक वाले लंबे चौड़े देसी अंडे। ये रहा देसी अंडा, फोड़ दिया मैंने, रे बहुत सॉफ्ट है यार ये। और ये है नॉर्मल अंडा। क्या आज तक नहीं देखे देसी अंडे ऐसे ही होते हैं? देखे मैंने, लेकिन भाई बहुत लंबे चौड़े यार ऐसे तूने पकड़ पकड़ के फोड़ दिए बेटा। इतने लंबे चौड़े, वेट नापते रुक जाओ। ये मेरे पास वेइंग मशीन है तो इसमें वेट नापते है। हाँ एक मिनट रुको पापा, मैं अंडे नाप रहा हूँ। पापा आ गए, अंडे नाप रहा हूँ, अंडे की कितने किलो का अंडा है? 0। ये है अपना नॉर्मल अंडा, 53 ग्राम नहीं 50 ग्राम। और यहाँ पर है अपना देसी अंडा, 68 ग्राम। मम्मा ये आपका कुछ 18 ग्राम भारी है देसी अंडा, खाएगा? भाई देसी अंडा ज्यादा भारी होता है, खतरनाक होता है भाई, लंबा चौड़ा ऐसे बनती है बॉडी। अभी गैस अपना खाना लग चुका है, खाने में है अपना देसी अंडा का आमलेट और ये रही रोटी। और बाकी ओम के पास एग करी, दो चीजें बनी है, आमलेट है जो कि मैं खाता हूँ, ओम खा रहा है एग करी, और भाई अंडा देखो भाई कितना बड़ा लंबा अंडा। एक बात का बहुत गर्व है, वो बात है कि जितना भी सेटअप का सामान लगा है ओम के गेमिंग स्टूडियो में, जितना भी सेटअप का सामान आया है वो मैंने खुद से मंगाया है, मतलब खुद के दिमाग से मंगाया कि ये सामान लेते दिमाग है भी आपके पास भाई, तभी सामान आया ऊपर, ठीक है। बाकी जितना सामान है, माइक स्टैंड, ये स्टैंड, वो स्टैंड, हेडफोन, लाइट वगैरह की ये सामान लगेगा, ये वायर, ये वो सब मैंने खुद से मंगाया, किसी से पूछा नहीं है, और एक सामान भी वेस्ट नहीं हुआ है, सारा सामान यूज हुआ है, और मुझे इस बात पे बहुत प्राउड है यार, प्राउड सलाम। बाकी गाइस अभी करते हैं व्लॉग को एंड, अगर आपको व्लॉग देख के मजा आया, आपके चेहरे पे स्माइल आई है, आपने एंजॉय करा है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कल सुबह 8 बजे, टिल देन गुड बाय, गुड लक, टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड लिव योर लाइफ एज मच एज यू कैन। कल सुबह 8 बजे तैयार रहना, तब तक के लिए बाय। टाइम हो चुका है, रात के बज चुके हैं 11:16, अभी सोते हैं और मिलते हैं आपसे कल सुबह, बाकी बाय बाय। Molestar, eres como un pez perdido en el mar.